आदेश दिया है। उसी के अनुक्रम में 2015 में जो हमारी जनहित याचिका फाइल थी विजय कुमार पांडे एडवोकेट बनाम डीजीपी नदब, उसी की सुनवाई करते हुए 5 दिसंबर 2017 को चीफ जस्टिस डीवी भोसले ने राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आदेश दिया था। क्योंकि जब मैंने आरटीआई से पता किया तो पता चला कि राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए नहीं गए हैं और जो लगाए भी गए हैं तो भी अपेक्षित नहीं रही। फिर उसी से चुप होकर हमने 5 दिसंबर 2018 को प्रमुख सचिव गृह के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले न्यायालय में दाखिल किया, जहाँ पे सुनवाई के पश्चात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव अरविंद कुमार के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए इस मुकदमे की तारीख दिनांक 12 मार्च 2019 नियत की है। और तरह है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस थानों में मानवाधिकार का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। उत्तर प्रदेश का नंबर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पे है, क्योंकि हिरासत में मौत उत्तर प्रदेश के थानों में सबसे ज्यादा होती है और ये आंकड़े राष्ट्रीय मानवाधिकार के आंकड़े। इसी से छूट होकर हमने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए राज्य के सभी थानों में मैंने ये जनहित याचिका दाखिल की। वह दिन दूर नहीं जब सीसीटीवी कैमरे अगर थानों में लग जाते हैं तो पुलिसिया हिरासत में यातना, दुर्व्यवहार, हिरासत में मौत में बहुत ही कमी आएगी। थैंक यू।